हिमाचल की तर्ज पर लागू हो भू कानून। एकता एंटी करप्शन से जुड़े पदाधिकारियों ने विकास नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भू कानून लागू करने की मांग को उठाया। एकता एंटी करप्शन के प्रदेश प्रभारी आकिल अहमद और प्रदेश प्रवक्ता रजिया बेग की अगुवाई में हुई इस पत्रकार वार्ता में प्रदेश स्तरीय तमाम मुद्दों के साथ ही भू कानून को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को बने 22 सालों से ज्यादा हो चुके, लेकिन प्रदेश की सरकारें आज तक भी सशक्त भू कानून लागू नहीं कर पाई, जिसके चलते बाहरी प्रदेशों की भू माफिया प्रदेश के लोगों से औने पौने दामों में खरीद कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, बाहरी प्रदेशों के कई लोग अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर आवासीय भूमि खरीद कर उसका होटल और हॉस्टल आदि के रूप में व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों का शोषण तो हो ही रहा है, साथ ही राजस्व को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एकता एंटी करप्शन के पदाधिकारियों ने मांग की कि उत्तराखंड में भी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भू कानून लागू कर बाहरी प्रदेश के लोगों को भूमि खरीद फरोख्त पर रोक लगानी चाहिए। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं की गई तो वो लोग स्थानीय जनता के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। देखिए, 2003 से लगातार इस मुद्दे पे चर्चा चल रही है और छिटपुट इन्होंने फेरबदल किए हैं। हमारे विधानसभा में ये मुद्दे को बार बार उठाया जाता है और बार बार दबाया जाता है। इससे जाहिर होता है कि हमारी सरकारें करने को कुछ तैयार नहीं है। उत्तराखंड की जनता के साथ छल किया जा रहा है। अभी भी इन्होंने एक कमेटी बना दी, वो कमेटी क्या करेगी? कमेटी ने फिर आगे को बढ़ा दिया 80 पेज की रिपोर्ट देके कि अब इसमें सिर्फ अपने सुझाव दें। अरे कब तक सुझाव मांगोगे? जब कमेटी बनाई जाती है तो उन कमेटियों में कानूनी लोगों को क्यों नहीं रखा जाता? जो लोग कानून के जानकार हैं, ज्ञाता हैं कानून के, उनको तो तुम अलग कर देते हो। कहीं से भी उठा के किसी को भी आप उन कमेटियों में रख देते हो तो तुम्हें सुझाव कौन देगा? आप जनता से सुझाव मांगे, पूरे उत्तराखंड से सुझाव मांगे, और जो आप भू कानून के लिए आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास आज 2003 से भी तैयार हुआ, तो हमारी सरकारें करेंगी क्या? विधानसभा में होगा क्या? जैसे कि हिमाचल की तर्ज पे आपको भू कानून को लागू करना चाहिए। हम तो डिमांड इस बात की कर रहे हैं कि हिमाचल की तर्ज पे करें आप, उसमें दिक्कत क्या है तुम लोगों को? पहले ही उत्तराखंड के अंदर जमीनों की कमी है। वैसे भी आप बाहर से ला ला के हर किसी को, आपने जो 250 वर्ग मीटर की बात भी कही है देने की, जो दे रहे हैं आप, उसमें भी आपने परिवार की डेफिनेशन नहीं खोली। आपने सीधा सीधे कह दिए कि भाई परिवार में चाहे 10 लोग ले लें, 10 लोग इकट्ठा ले लेते हैं, आप क्या करोगे? आपने उन जमीनों का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं लोग, ये भी स्पष्ट नहीं होता है। आप नक्शे पास नहीं कराते, ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो कर क्या रही है सरकार जनता के साथ? कौन सी खिलवाड़ कर रही है? इस तरह से तो पूरे उत्तराखंड की जमीनें चली जाएंगी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और इतने 22 आज कितने वर्ष हो गए उत्तराखंड बने हुए, तब से अब तक भू कानून नहीं बन सका है? ये तो मजाक सी हो गई ना, मजाक लग रही है कि एक हमारी सरकार एक भू कानून को ढंग से बना के लागू नहीं कर पा रही है। हमारा यही कहना है कि आप जो अभी आपने इस 5वां दून में लोगों को उजाड़ने का काम आप कर रहे हैं वो बंद करें, भू कानून को आप ठीक से लागू करें, वरना फिर जनता सड़कों पे आने के लिए तैयार बैठी हुई है। हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे और सड़कों पे आएंगे सरकार के खिलाफ। ये रखी गई कि भू कानून को लेकर उत्तराखंड में जो है, जब कांग्रेस की सरकार थी एनडी तिवारी जी की, तो उस समय जो है एक आवाज़ उठी थी उत्तराखंड से कि यहाँ पे जो है बाहर के लोगों के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए। तो उस समय जो है सरकार में 2003 में तिवारी जी की सरकार में 500 मीटर जो है वर्ग मीटर के लिए ये आदेश जो है कानून बनाया गया था कि भाई 500 मीटर ही बाहर का व्यक्ति ले पाएगा। तो उसके बाद जो है जमीनों का काम तो उस समय धड़ल्ले चला, जिस पर्पज के कारण जो है ये कहा गया था कि बाहर के लोगों को यहाँ पे जो है जो भू माफिया उत्तराखंड में आ रहे थे उनको रोका जाए। तो काम तो रुक नहीं पा, उस समय भी लगातार चला जबरदस्त तरीके से। उसके बाद फिर 2007 में जब सरकार आई बीजेपी की, तो बहुवन चंद खंडोरी जी ने जो है उसको घटा के 500 से 250 वर्ग मीटर कर दिया था कि बाहरी का व्यक्ति इतनी जमीन ले सकता है। लेकिन उसमें ये नहीं करा कि जो है एक परिवार से एक ही व्यक्ति ले सकता है, जो क्योंकि अगर ये खुला होता तो उसमें जो है कहीं लिखा हुआ नहीं ऐसा है। अब क्या है कि एक ही परिवार के चार लोग अगर हैं तो वो 250 वर्ग मीटर जमीन जो है एक ही टुकड़े को अगल बगल करके ले रहे हैं और मकान के नाम पर लिया जा रहा जो है, लेकिन मकान ना बना के उसमें व्यापार किया जा रहा है जो है। कहीं हो कहीं जो है बिल्डिंग बनाई जा रही, कहीं हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, कहीं जो है रेंटल जो है बिल्डिंग बन रही है, और कहीं जो है आपका जो है ये जो किराए का फैक्ट्री वगैरह को जो है
फैक्ट्रियों के लिए गोदाम वगैरह बना के जो है पूरा बिजली चल रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये व्यापार चल रहा है। तो इसको रोकने के लिए कई बार जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें कमेटी गठित की जा रही है, हम इसको भू कानून को मजबूत करेंगे, लेकिन ये भू कानून मजबूत नहीं हो पा रहा। बाहर के लोग आके यहाँ पर जो है हरियाणा पंजाब से उत्तर प्रदेश से जो है दिल्ली से यहाँ पर उत्तराखंड में जो है वो लोग जो है यहाँ पे अपना जो है व्यापार करते कर रहे हैं यहाँ पे आके, लेकिन यहाँ का जो गरीब व्यक्ति है वो और गरीब होता जा रहा है और जो बाहर के लोग हैं जो है वो उभरते जा रहे हैं। इसको उस कानून के लिए हमने कहा कि इसको सख्त कानून जो है सरकार बनाए। पहले सब इन्होंने पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हम जो है कमेटी गठन कर रहे हैं, कमेटी की रिपोर्ट आएगी 80 पेज की जो है कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास जा चुकी और उसके बावजूद भी अभी तक जो है मुख्यमंत्री ने जो है इस पर भू कानून पर कोई सख्ताई नहीं की है। तो हमारा आज का जो है यही था प्रेस का कि इस भू कानून पर सख्ताई की जाए। जो घर के लोग हैं, जो बाहर के लोग यहाँ पर मकानों के नाम पर जमीन खरीदे लेकिन वो उसका जो है प्रयोग उपयोग जो है दूसरे उस पर आ रही है, उन सब पर बैन लगना चाहिए, रोक रखनी चाहिए। आप क्या मानते हैं बड़े बड़े हॉस्टल बने हैं तो उनके नक्शे पास होते हैं नहीं होते हैं? देखिए नक्शे भी पास नहीं हो पा रहे, जो है सारी मिली भगत चल रही है। पहले ये जो है साड़ा के पास था, अब ये है एमडीडी के पास है, एमडीडी वालों ने आंखें नीचे रखी है, अगर कहीं जो है कोई जाता भी है तो